वहां से चंडीगढ़ की बॉर्डर खत्म, कोई कालू कालू पहाड़ियां देख रहे। सो गुड मॉर्निंग, और आज चंडीगढ़ से फाइनली निकल रहे हैं अपन। रेडी तो हो चुके हैं, अब हेलमेट पहनते और चलते राइड शुरू करते आज की अपनी चंडीगढ़ से और नारकंडा तक। टाइम ज़्यादा रहा तो अपन रामपुर भी सोच सकते हैं कि रामपुर तक अपन कवर कर पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे वीडियो में। फ्यूल भरवा लेता हूं इधर से। तो अभी अपनी बाइक में 746 का रुपीस का पेट्रोल डाला है, और हाफ टैंक अपना पहले से था। नारकंडा से आगे रामपुर बुशहर पड़ता है, रामपुर बुशहर में लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके बाद फिर पेट्रोल पंप नहीं है, तो उधर फिर अपने को फ्यूल की ज़्यादा नीड रहेगी। टाइम हो रहा है 12:16, और जो हमारा रास्ता दिखा रहा है नारकंडा का, वो 5 घंटे का दिखा रहा है। अभी जब कल टेम्परेचर देखा था स्पीति में काजा का, और तो उधर माइनस में टेम्परेचर जा रहा था, तो होप है ठंड अच्छी खासी मिलने वाली है वहाँ पे, और मज़ा आएगा काफ़ी यार। अब यहाँ से जो शिमला रह जाता है केवल 80 किलोमीटर से रह जाता है, और यहाँ से चंडीगढ़ की बॉर्डर ख़त्म, पंजाब की ख़त्म, और हिमाचल की चालू हो जाती है, यही गेट है। बाय बाय। और वो एक छोटा सा बच्चा था, काफ़ी क्यूट था। टाइम फिक्स 1 बज गया है। जो प्लान था वो था कि 7 से 8 बजे तक अपन ड्राइव कर सकते हैं, फिर उससे ज़्यादा यार सेफ नहीं है। अगर मान लीजिए कि नारकंडा से रामपुर अपन कवर कर पाए तो वो बेस्ट रहेगा। हवा काफ़ी ठंडी है, वही चीज़ है यार, मज़ा ही नहीं ठंडी हवा और ठंडे मौसम का ही है। अब ऑफ रोडिंग करनी हो किसी को तो इधर से सीधा GTA में होता था, GT YCT खेलते थे, बाइक वाइक कुदानी हो डायरेक्ट दम, वो कर सकता है। सॉरी यार मजाक कर रहा था, सीरियसली मत ले लेना कोई भी भाई लोग। नहीं नहीं आंटी जी, आंटी जी आंटी रुकी नहीं रही है, और अपने को कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से चल रहे हैं, एंजॉय करते हुए चल रहे हैं पूरे व्यू पे यार। क्या प्यारी लग रही है, और हम पूरे इधर से आए हैं इन पहाड़ों की जस्ट बैक साइड से। अब ये सामने देखो पूरी वैली स्ट्रेट पूरा, हाय हाय। यहाँ पे खाना खाने के लिए रुक रहे हैं, कोई कोई व्यू भी बहुत तगड़ा है यार। 2:30 बज चुके हैं, सुबह बटर टोस्ट खाया था, पूरा लैंडस्लाइडिंग अभी ये वाली, क्या शानदार शांति मिलती है, और हवा कितनी अच्छी चल रही है, प्यारी चल रही है। तो खाना खा लिया अच्छे से, और टाइम हो रहा है अभी 3:35, अब यहाँ से फ्री हो गए एकदम, और अच्छा ढाबा था, खाना भी बहुत टेस्टी था, और पीछे की अगर वादियाँ देख पाए थे वो, तो ये इस तरह से है पूरा व्यू। अब चलते हैं, और यहाँ से जो अपनी मनाली रह गया है वो 35 से 40 किलोमीटर रह गया है, तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास तक लग जाएगा, 5:30 बज जाए। चलिए
कुफरी की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं, और उसके फिर बाद अपन चलेंगे उधर से नारकंडा के लिए जो रास्ता जाता है उस पर। ओए ये देखिए क्या मोड है, ये मोड ज़िगज़ैग वाले पसंद है यार। बस ये है अपनी फुल सेफ्टी के साथ चलो, बिल्कुल अनदेखी वाले काम नहीं करने। अगर हाँ श्योर हो निकल सकती है तो ही निकालो, और सबसे पहले आगे देख लो कोई आ तो नहीं रहे हैं, वरना तो चिपके ही मिलोगे सामने वाले के। और आगे जो है बादल है, तो हो सकता है मामू बरसात भी मिल जाए या मौसम ख़राब भी मिल जाए, तो उस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे रहे अभी, क्योंकि हमने आगे का मौसम चेक नहीं किया है। बट हाँ एक चीज़ है, चीज़ें सारी लेके आए, रेन लाइनर भी है, रेन से बचने का भी है, ठंड से बचने के भी सामान है, तो ऐसे सारी चीज़ें हैं अपने पास जिससे कि अपने को प्रॉब्लम नहीं आए, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आए। विंटर ग्लव्स भी है, समर ग्लव्स भी थे, और ये धमाधम बस है, गाड़ियाँ धूम धूम करके जा रही है बगल से। और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री हो रहा है इस टाइम पे, और अब इन ग्लव्स में जो है हवा बहुत ठंडी लग रही है, और मज़ा सा आ रहा है क्योंकि यार गर्मी छोड़ के और ठंड में आना बहुत अलग एक्सपीरियंस हो जाता है। और कुफरी यहाँ से 2 किलोमीटर, और टाइम हो गया है 5:25, और जो हमको टाइम दिखा रहा है वो 1:23 दिखा रहा है, और 48 किलोमीटर नारकंडा यहाँ से रह चुका है। गजब व्यू है, ऑसम यार, बहुत शानदार, पूरी हिमालयन रेंज है पूरी, और वो क्लाउड्स देखो उधर से, ऐसे लग रहा है किसी ने फॉग छोड़ दिया। मैंने कहा था आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, आज की जो राइड है उसमें आपको एक से एक नज़ारे भरपूर मिलेंगे, कोई कमी नहीं है, ठोक ठोक के नज़ारे मिलेंगे भर भर के। अभी तक ये केवल वीडियोस वगैरह में ही देखा था नारकंडा, बट अब टाइम है असली में देखने का, खुद की आंखों से फील करने का। ओए कालू 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 उसको डरा रहा था वो। और इधर की वैली का नज़ारा लो यार, कितना खूबसूरत नज़ारा है नीचे तक, पहाड़ियाँ देख रहे, पत्थर ऊपर ही है बिल्कुल।
वीडियो देखने में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। बाकी नज़ारों की फिर से कमी नहीं आने देंगे। अब 3-4 दिन फुल नज़ारे ही नज़ारे हैं और फुल ठंड होने वाली अच्छी खासी। नारकुंडा जो अब रह गया है 27 किलोमीटर्स रह गया है। बाकी रोड काफ़ी अच्छी है, बहुत प्यारी रोड है मक्खन वाली। अब इस टाइम ऐसा लग रहा है उंगलियां सुन पड़ चुकी है पूरी की पूरी। और अब सनसेट का टाइम हो गया है, पहाड़ों के पीछे जाएंगे और कलर बड़ा प्यारा है ऑरेंज। एक्चुअली में कल का जो रास्ता होने वाला है काफ़ी लंबा होने वाला है और एडवेंचरस भरा होने वाला है, तो इस वजह से कल लगभग 12 से 13 घंटे हमको पहुंचने में लगेंगे। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और टेम्परेचर अभी आप लोगों को बताऊं तो 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और अभी तो जैसे जैसे और अंधेरा होता जाएगा और टेम्परेचर डाउन जाता जाएगा और ठंड नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और जो मज़ा आ रहा है नेक्स्ट लेवल का ही मज़ा आ रहा है। सो फाइनली अपन नारकंडा पहुंच चुके हैं और नारकंडा से भी अभी अपन आधा किलोमीटर आगे आ चुके हैं। पहुंच चुके हैं अपनी होटल के बाहर जो कि शेंगरी लाइन है और अपने रूम अपने को यहाँ से ही मिल गए थे। तो रामपुर से ये लगभग 3.5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है होटल, तो आज का इससे अपन यहीं करते हैं अपनी और फिर कल सुबह निकल जाएंगे मॉर्निंग में। चलो बाइक लगाते हैं एक बार अपन अंदर और फिर चलते हैं रूम में और फिर मिलता हूँ आप सब लोगों से। सो फाइनली फ्रेश व्रेश होके और रूम के अंदर अपन आ चुके हैं और आज का काफ़ी शानदार वाला दिन रहा और काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे अपन ने एंजॉय किए। प्लस जो है काफ़ी अच्छी वादियाँ भी दिखी। और आप लोगों को अगर कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना यार, ताकि आप लोगों का प्यार बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय।